फैमिली एंड व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और मेरे लिए दुआ को होंगे। लेकिन जी व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हाई प्रोटीन मूंग की दाल विद पनीर लेकर आई हूँ। तो आज हम इसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप मूँग की दाल ली थी, उसे अच्छे से वॉश किया और ये देखिए मैंने इसे इस तरह से पानी में डिप करके रख दिया है। मिलते हैं तकरीबन हाफ एन आवर के बाद। आप देखते हैं यहाँ पे हम पनीर को बहुत अच्छे से ऑलिव ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, टोटली ऑर्गेनिक और बिल्कुल भी इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल फ्री है। इसी तरह से हम बहुत सी चीज़ों का पनीर बना सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम आपसे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही प्रोटीन से भरी हुई रेसिपी शेयर करने जाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इस पनीर को अच्छा सा फ्राई करेंगे गोल्डन कलर का, और उसके बाद आप उसे सैलेड्स पे और कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तवे पे यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता रेडी हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं ग्रेन्स वाली जो मेरी ब्रेड है उससे मैं बहुत अच्छे से इस तरह से यहाँ पे सेक रही हूँ। और यहाँ पे हमारे पास हमारा एग रेडी है, तो इस तरह से एक हेल्दी सा हम फूड भी रेडी करेंगे और इसे भी मैं बहुत ही मज़ेदार सी कोई डिश बनाकर और उसमें फिर मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ, यूज़ कर सकती हूँ पनीर को। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा पनीर बहुत अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का फ्राई हो रहा है। इसे हम यहाँ पे बहुत ही हेल्दी हाई प्रोटीन हम आज मूंग की दाल बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हम ऐड करेंगे। आप देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये देखें यहाँ पे मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है, और यहाँ से यहाँ पे मेरे पास सेसमी सीड्स, ये देखें सेसमी सीड्स की, और प्लस इसके अंदर ग्रेन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली ब्रेड है और साथ हमारे पास ये पनीर है, और साथ ही हमने यहाँ पे एक एग इस तरह से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो पनीर है वो दाल के लिए रेडी हो रहा है, इसे हम दाल के लिए फ्राई कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे मैंने दाल के साथ, क्योंकि हाई प्रोटीन मुझे आज दाल बनानी है बहुत ही ज़बरदस्त सी पनीर के साथ, तो कोकोनट के पनीर के साथ, तो यहाँ पे मैंने 2 eggs को बॉयल होने के लिए रख दिया। पनीर जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अगर पनीर की आपको रेसिपी चाहिए तो वो आप यहाँ से मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, और मेरी आप इसी तरह यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इस पनीर को बनाने का सारा प्रोसेस। दाल को डिप किए हुए पानी में तकरीबन हाफ एन आवर हो गया है, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने दाल जो है उसे मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया है, और इसके अंदर हम यहाँ पे आप देख रहे हैं साबुत धुली हुई मूंगी की दाल मैंने ली है। तो इसमें मैं तकरीबन 1 cup वाटर ऐड कर दूंगी, पानी। बहुत ही हाई प्रोटीन हमारे पास ये दाल बनने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। इससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ आपने कभी भी ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, तो आप इसे ज़रूर देखिए और ज़रूर इसे बनाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो लें जी, अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें गार्लिक का मैंने यहाँ पर पेस्ट बनाया हुआ था, तो यहाँ पर हम 1 teaspoon गार्लिक ऐड कर देंगे इस तरह से, और फिर जिंजर का भी यहाँ पर मैं तकरीबन 1 teaspoon हम यहाँ पे जिंजर का मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं। इस तरह से 1 teaspoon हमारे पास यहाँ पे जिंजर का पाउडर आ गया है, और 1/2 teaspoon मैं यहाँ पे हल्दी डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। 1/2 teaspoon मैं यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर डाल रही ड्राई कोरिएंडर डाल रही हूँ, और इसी तरह से 1/2 teaspoon ही मैं यहाँ पर रेड चिली ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है जी। और 1/2 teaspoon ही मेरे पास यहाँ पे मैं सॉल्ट ले रही हूँ, नमक आप इसे हंस पे जायका ले लीजिएगा, और कुछ थोड़ा सा तकरीबन 1 tablespoon मैं यहाँ पे ले रही हूँ जी गरम मसाला, जिसमें आप देख रहे हैं ज़ीरा है और 2-3 लौंग है, और 2-3 ही मेरे पास यहाँ पे ब्लैक पेपर्स हैं जिन्हें मैं इसमें डाल रही हूँ इस तरह से। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से इस तरह से, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी हाई प्रोटीन जो है ये मूंगी की दाल हम इसको बना रहे हैं, और इसमें हम अपना कोकोनट का जो है वो चीज़ अपना पनीर भी यूज़ करेंगे। तो अगर आपको उस पनीर की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप देखिएगा हाई प्रोटीन कोकोनट के साथ फूल मखानों की ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं, वो भी आप देख लीजिएगा।
इस तरह से अब हम इसे दाल को कवर कर देंगे तकरीबन 5 to 6 मिनट्स के लिए। मिलते हैं 5 to 6 मिनट्स के बाद। 1 टीस्पून में यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ इस तरह से। आप देख रहे हैं और सोच भी रहे होंगे कि ये रेड कलर के एग्स किस चीज़ के हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने जो 3 एग्स लिए थे बॉईल किए हैं, और उसके बाद मैंने उन एग्स में दो दो तीन तीन इस तरह से कट्स लगाए हैं क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है। और ये देखें इस तरह से बस इतने इतने ही मैंने इसके कट्स लगाए हैं, तीन तीन कट्स मैंने इन एग्स को इस तरह से दे दिए हैं इस तरह से, ताकि ये फटे नहीं और ये जो है फ्राई करते हुए एकदम जो है वो उछल के बाहर ना आ जाए और फट ना जाए। तो इस वजह से इसे मैंने इस तरह से कट्स दिए हैं तीन तीन, और इसे मैंने एक फूड कलर थोड़ा सा दिया है सिर्फ एक अच्छा लगने के लिए, अदरवाइज़ इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खूबसूरती अगर हम अपनी डिशेज़ को ज़रा थोड़ा सा कलरफुल करके अच्छा बना सकते हैं, गार्निशिंग उनकी अच्छी कर सकते हैं, उनकी लुक अच्छी कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही मज़ा आता है कि इंसान का दिल करता है खाने को। तो इस तरह से मैंने इन्हें थोड़ा सा फूड कलर लगाया है और मैं इन्हें अब फ्राई करने जा रही हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, तो इसके अंदर मैंने इस तरह से ये एक्सपोर डाल दिया है, और अब हम इन्हें लाइट लाइट सा शैलो फ्राई करेंगे इस तरह से, लाइट लाइट सा फ्राई करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी जो हमने दाल रखी हुई है वो बन रही है। आज आप इतनी ज़बरदस्त दाल की रेसिपी इससे पहले आपसे किसी ने भी शेयर नहीं की होगी, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और बहुत ही हाई क्वालिटी की दाल बनने जा रही है हमारी पनीर के साथ, कोकोनट और फूल मखानों के पनीर के साथ हमारा जो पनीर है वो रेडी हुआ है, साथ बनाना और पोटैटोज, तो इस तरह से, और साथ हम इसमें एग्स शामिल करेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये जो है वो दाल का फ्लेवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे लाइट लाइट सा शैलो फ्राई करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे और बिल्कुल भी जो है वो ये इस तरह से जो जिस तरह से इनके अंदर से ऑयल उड़ता है और वो ऊपर गिरता है, तो वो चीज़ नहीं हो रही क्योंकि हमने इसको कट्स दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम इसे लाइट टाइप सा फ्राई कर लेंगे जी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस तरह से फ्राई करने से हमारे एग्स के ऊपर जो हमने इस पर फूड कलर लगाया था वो इसे स्टे कर देगा, वो उतरेगा नहीं इस तरह से। और बस अब हमें इतना ही इसे लाइट सा शैलो फ्राई करना था, तो अब हम इन्हें फ्लेम ऑफ कर देंगे इनका, और इसी ऑलिव ऑयल को हम दाल में भी यूज़ करेंगे इस तरह से। देखें कितना खूबसूरत कलर है एग्स का, और हाई प्रोटीन दाल है ये जिसके अंदर हम इसे यूज़ करेंगे एग्स को। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा कोकोनट और फूल मखानों का और बनाना और पोटैटो का ज़बरदस्त सा पनीर रेडी है, और यहाँ पे हमारे पास जो एग्स हमने यहाँ पे फ्राई किए थे बॉईल करके वो भी रेडी है, और दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी तकरीबन तैयार हो गई है। तो फ्लेम हम यहाँ पे दाल का ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। तो तड़का हमने इस तरह से तैयार किया है कि मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप से भी कम थोड़ा सा ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन डाला हुआ है इस तरह से क्रश करके, और 5 मेरे पास यहाँ पे गोल लाल मिर्च है, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून में अभी ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इस तरह से। इस सारा ज़बरदस्त हम अभी दाल को तड़का लगाएंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त और हाई प्रोटीन दाल रेडी होने जा रही है हमारी। आप इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इसे ज़रूर बनाने की ट्राई कीजिएगा। बॉइल्ड राइस के साथ, वाइट राइस के साथ भी आप ले सकते हैं इसे, और तड़के वाले राइस के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार ये लगेगी। तो इस तरह से ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा यहाँ पर तड़का रेडी हो रहा है। तड़का हमारा बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गोल्डन कलर का रेडी हो गया है, और इसमें अब मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर डालूंगी, ताकि इससे ज़रा हमारी दाल के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सी रौनक आ जाएगी इस तरह से। ये देखें बहुत ही प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायकेदार तड़का है हमारा, और हाई प्रोटीन हमारी दाल यहाँ पे दाल मूंग तैयार होने जा रही है ज़बरदस्त सी पनीर के साथ और एग्स के साथ। इससे पहले ऐसी रेसिपी आपसे कभी भी किसी ने शेयर नहीं की होगी, इसे ज़रूर आप अपने खानों में शामिल करें और चेंज कर करके खाने खाएं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऑलिव ऑयल और 1 टीस्पून इसमें देसी घी भी ऐड किया था तड़के में इस तरह से। बस हम इसे 1 से 1 मिनट और पकाएंगे, और उसके बाद हम अपना तड़का लगाएंगे। तड़का हमारा बहुत ज़बरदस्त रेडी है, ये देखें जी अब हम इसे दाल में लगाएंगे। वाह ज़बरदस्त
रंगों के साथ हमारा ज़बरदस्त सा तड़का। अभी हम इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह कवर रहने देंगे ताकि इसकी ज़बरदस्त खुशबू अंदर ही रहे, उसके बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं ज़बरदस्त हमारा दाल मूँग रेडी है ज़बरदस्त तड़के के साथ इस तरह से। अब हम इसे गार्निश करेंगे और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे दाल को डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये देखें, और जायकेदार और खुशबुओं से भरी हुई, प्रोटीन से भरी हुई हमारे पास ये इस वक्त आज दाल मौजूद है। और ये देखें यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा 1 कप जो है वो घर का फ्रेश कोरिएंडर ये मैंने इस तरह से काट लिया था और इसे वॉश कर लिया था। 2 से 3 मेरे पास ग्रीन चिलीज थी जिन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास हमारा कोकोनट का पनीर बहुत अच्छा सा फूल मखानों वाला रेडी है, और इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मेरे पास 3 eggs हैं जिन्हें हमने इस तरह से फ्राई कर लिया था बॉईल करके। तो चलें जी चलते हैं, अब हम इसे गार्निश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे eggs को इस पर रखेंगे। इतनी यूनिक और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी और प्रोटीन से भरी हुई दाल आपने कभी भी नहीं खाई होगी, तो इसे आप ज़रूर खानों में शामिल करें इस तरह से, किसी भी तरीके से जिस तरह से आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब हम यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर इसके ऊपर गार्निश करेंगे इस तरह से, ग्रीन चिलीज़ को भी इस तरह से इस पर गार्निश करेंगे। देखें ज़बरदस्त हमारी प्रोटीन से भरी हुई दाल विथ पनीर एंड एग्स रेडी है। इस तरह से आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। 1 टीस्पून गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे हम इस पर इस तरह से।